अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब खैरियत होंगे। तो आज एक और न्यू वीडियो के साथ हम हाज़िर हो चुके हैं और बड़े टाइम बाद हम दोबारा से वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि पहले थोड़ा इशू वगैरह हो गए थे बहुत सारे कि वीडियो पूरा सीज़न स्टार्ट हो गया। लास्ट टाइम मेरी वाली वीडियो ये आई थी कि मैंने लास्ट ये वीडियो अपलोड की थी कि मैंने कहा था मेरी वीडियो रोज़ाना क्यों नहीं आती, उसके बाद ही मैं बिल्कुल गायब हो गया। तकरीबन महीना हो चुका है और मेरी एक भी वीडियो नहीं आई, जबकि मंडी लग चुकी है वो जो कि हमारे कदमों में गडाप से, हमारे फार्म से, सोसाइटी से 10 मिनट के रास्ते पर है मंडी। और आते वाते जाता मैं रोज़ाना दिखते हैं ऑफिस आ रहे होते हैं, आता आना जाना मंडी के अंदर जाना वाना लगा है भाई हमारा ना, लेकिन अपडेट आई नहीं। क्योंकि इसलिए नहीं आई कि जिस दिन मैंने वीडियो बनाई लास्ट वाली उसके अगले दिन ही मेरा मोबाइल स्नैच हो गया, तो बड़ा दुख हुआ कि भाई ख़ास तौर पे ये दुख हुआ कि अब मैं अपडेट कैसे देंगे। मोबाइल मैंने ले लिया था जल्दी, लेकिन मेरे अकाउंट का यूट्यूब अकाउंट जो है उसका थोड़ा इशू वगैरह आ गया था, क्योंकि जो मेरा मोबाइल स्नैच हुआ ना तो उन लोगों ने मेरा कोड भी पूछ लिया था, ठीक है। तो थोड़ा रिकवर वगैरह करा है मैंने अकाउंट वाली मुश्किल से, क्योंकि वो लोग भी चलाने लग गए थे मेरा अकाउंट। शुक्र है कि वीडियोस वगैरह चैनल के साथ तो कुछ आड़ छेड़ने के लिए, लेकिन मेरा अकाउंट चला रहे थे तो बड़ा मुश्किल से ना मैंने रिकवर वगैरह करा है। तो आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, मोबाइल मैंने दूसरा ले लिया है और रिज़ल्ट और अच्छा आ रहा होगा क्योंकि मैंने अपग्रेड कर लिया पहले। तो ये सीन है, बाकी फार्म इतने जानवर माशाल्लाह से पूरा फार्म भरा हुआ था क्लाइंट्स के जानवर, कुछ इतने सारे जानवर आए भी, सेल भी हो गए, क्योंकि रोज़ाना की जानवर आ रहा है, जानवर जा रहा है, जानवर आ रहा है, इस तरीके से अपडेट है। अभी भी माशाल्लाह कुछ जानवर खड़े हुए, कुछ पलाई पर खड़े हुए, बाकी पुराने वाले खड़े हुए, जो कि मैंने शेखवान मंडी से जो माल आया था तो उसकी भी अपडेट नहीं दी थी, जो कि मैंने बोला था एक एक खोल खोल के दिखाऊंगा, जो कि फोर सेल है, ठीक है। तो अभी सारे जानवर मंडा वंडा खा के खड़े हुए हैं, कुछ जानवर सेल भी हो गए वो भी बताता हूँ, और एक दो जानवर आए भी थे जैसे और लोगों का माल भी था। तो बहुत सारी वीडियोस बनानी है, बहुत सारी बातें करनी है आप लोगों से, और बहुत से फार्मों पे विजिट भी करना है। मंडी अपडेट बहुत जल्दी आ जाएगी, ठीक है। और एक सरप्राइज़ भी है मंडी के लिए, हमारी दुआ ग्रीन सिटी के लिए, जो कि दुआ ग्रीन की फार्मर्स हैं उनके लिए भी, उन लोगों को पता है, और जो नए लोग देख रहे हैं तो उनके लिए भी बहुत जल्दी पता लग जाएगा कि मंडी में हमने कुछ चीज़ करी है, ठीक है। तो आज की अपडेट देते हैं फार्म की, तो आई होप कि आज आपको वीडियो पसंद आएगी। तो लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन क्लिक कर लीजिएगा ताकि न्यू वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। अच्छा भाई, वीडियो करते हैं स्टार्ट, और शाम के बज रहे हैं 5:30। तो सारे जानवर बाहर निकल चुके हैं अपना वंडा वंडा खा के, साले पानी पिला रहे हैं। अभी मैं सिर्फ जानवर दिखाऊंगा आपको कि किस तरीके से क्या जानवर की किस तरीके की प्रोग्रेस हो रही है, ठीक है। तो सबसे पहले अपना चीने बच्चे से स्टार्ट करते हैं, चोलिस्तानी बच्चा, चीना बच्चा। तो ये आपको पता है कि पिछले साल खीरा था, छोटा सा था, और माशाल्लाह से अब इसकी प्रोग्रेस देखें किस तरह हो रहा है। और ये लंपी में भी आ गया था भाई, तो माशाल्लाह नाफे झालर में, नाफे झालर की क्या बात, क्योंकि अब तो सीज़न बिल्कुल ये हो गया कि तकरीबन अब जो लोग लेंगे तो कुर्बानी के लिए लेंगे ना, लेकिन अब जब बकराईद के बाद जब सीज़न आएगा तो जब चीज़ें देखी जाती है, लेकिन हम लोग भाई खूबसूरती नाफा झालर कलर वाइज तो हर चीज़ देखते। तो भाई ये अवेलेबल फॉर सेल है, ये कुर्बानी के लिए हाजिर है आप लोगों के लिए, शौकीनों के लिए। तो ये चीज़ अच्छा दांतों में है ये 2, ठीक है। और मीट वेट पे ये खड़ा हुआ है 4.5 से 4.5 ऊपर ही आएगा ये 4 मंथ। तो माशाल्लाह गोल मटोल बच्चा है प्रिंट वाइज और चेहरे वाइज, ठीक है। तो माशाल्लाह ये पीछे से बैग भी दिखा देता हूँ, खोल खोल के मैं आपको बाद में दिखाता रहूँगा। तो भाई ये बच्चा हमारे आपके लिए हाजिर है, जो भाई कॉन्टैक्ट करना चाहें तो वो कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरा नंबर स्क्रीन पर चल रहा होगा, माशाल्लाह माशाल्लाह बिल्कुल ठोस हुआ है, ठीक है। और दूसरा बच्चा, ये बच्चा पुराना है जो मेरे पीछे जो लोग पुराने वो देख लूँगी, बच्चा रह गया था। अच्छा ये बच्चा वो है भाई जो शेखवान मंडी से आया था, ठीक है, देसी बच्चा है और छोटे फेस में, नाफे झालर में बहुत बेहतरीन है। और ये जो खुलेगा मीट वेट पे 4.5 मंथ से ऊपर का बच्चा है ये भी ना, तकरीबन हमारे पास सिर्फ वो बड़ा बच्चा खड़ा हुआ है, ठीक है, जो कि 7-7.5 मन आएगा, जो कि आपने वीडियो देखी होगी वो भाग गया था। तो भाई एक ये बच्चा है फॉर सेल के लिए, ठीक है। तो ये माशाल्लाह उससे बड़ा बच्चा है, ठीक है, और गोल मटोल बच्चा है, ब्लैक एंड वाइट इसका थोड़ा प्रिंट वाला बच्चा है, लेकिन जो लोग ब्लैक के शौकीन है, ब्लैक एंड वाइट प्रिंट के, तो उनको ये चीज़ समझ आ रही होगी,
नाफे जाले की बात नहीं करेंगे भाई, क्योंकि अभी सिर्फ लोग रहेंगे कुर्बानी के लिए, क्योंकि अभी पलाई वलाई वाला सिस्टम बिल्कुल भी नहीं। तो माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, एक ये गोलू बच्चा आपके लिए हाजिर है, जो भाई इंटरेस्टेड हो वो कांटेक्ट कर सकता है, ठीक है। अगर नंबर चल रहा है, पर्सनल वीडियोस मंगवानी हो तो मुझे मैसेज कर दिएगा, मैं आपकी इसकी पर्सनल वीडियो भी भेज दूंगा। अच्छा भाई, ये बच्चा हमारे पास भी फॉर सेल के लिए, ये भी शिकवान मंडी से आया था, ठीक है। और ये अभी होगा 5.5 मंथ, 5.5 मंथ से ऊपर है मीट वेट पे। और प्रिंट वाइज की बात की जाए, और पीछे से बैक भी दिखा देता हूँ, माशाल्लाह माशाल्लाह, फुट देखें, कमर देखें इसकी अपनी खूबसूरती में। और इन दोनों के बराबर रखा जाए तो भाई बड़ा ये है, एक ये बड़ा है और एक ये वाला बड़ा है। तो भाई इसकी भी मैं वीडियो वगैरह शेयर कर दूंगा। दांतों में शायद ये तीसरा हो रहा है, ठीक है, कन्फर्म नहीं है, मैं देख लूँगा। जो भाई इंटरेस्टेड हो तो मुझे स्क्रीन शॉट लेके भेज दे, ठीक है। ये भी अवेलेबल फॉर सेल है, ठीक है। बाकी मैं नेक्स्ट जब रोजाना इस तरीके से मैं आपको चला ला के दिखाता रहूँगा। अभी मैं ये सब जानवर दिखाने क्या हो रहा है, तो बस शॉर्ट वीडियो करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम लंबी करेंगे तो आप लोग देखते नहीं है, क्योंकि बोलते फहीम भाई लंबी हो रही है, ये हो रही है, तो मुझे पता है मैं सब देख रहा होता हूँ भाई कि कौन कितनी देख रहा है क्या। अच्छा भाई, ये खूबसूरती में सबसे हटकर है, माशाल्लाह माशाल्लाह, हाइटेड बच्चा है, लेंथ वाइज ठीक है, लंबी है इसकी कमर, माशाल्लाह। बैक देख लें भाई इस बच्चे की, माशाल्लाह पूरा सफ़ेद है, गर्दन के पास डॉट डॉट है और वो भी ब्राउन डॉट है। ये भी सेल के लिए मौजूद है, जो कुर्बानी के लिए समझ रहे हैं, जिनको अच्छा लग रहा है तो ये वो कांटेक्ट कर सकते हैं भाई। छाले में बहुत अच्छा है माशाल्लाह, नाफे में बहुत बच्चा और हाइटेड बच्चा है। ये आपको वीडियो में छोटा लग रहा होगा या बड़ा लग रहा होगा, लेकिन वीडियो में भाई बिल्कुल एक अंदाज़ा ही होता है जानवर कैसा है, लेकिन जब आप आके फेस टू फेस देखेंगे तो आपको पता लगेगा। लोकेशन हमारी गडाब स्कीम 45, मंडी से 10 मिनट की ड्राइव है हमारी, दुआ ग्रीन्स, सब लोगों ने नाम सुना होगा, तो दुआ ग्रीन्स में हमारा फार्म है, ठीक है। और हाँ, अगर आप 1000 मैक्सिमम, ये सोसाइटी कैटल फार्म और फार्म हाउस की लैंड सेल करते हैं, जो कि आप लोगों ने, कोई भी इंटरेस्टेड है बंदा अपना फार्म बनाना चाहता है, फार्म हाउस बनाना चाहता है, किसी चीज़ की भी फार्मिंग करना चाहता है, तो यहाँ आए, मेरा नंबर चल रहा होगा, कॉन्टैक्ट करें और आके फैसिलिटीज़ देखें, तो आपको प्रॉपर आइडिया होगा। तो भाई ये भी बच्चा फोर्ट सेल के लिए है, ठीक है। और भाई अब ये बच्चे में आ जाते हैं, खासतौर पर मुझे ये बच्चा बहुत पसंद आता है, जगह बहुत जगह है इसके अंदर, बहुत जगह है, लेकिन ये दांतों में है, ये दो दांतों में, तकरीबन मैंने लास्ट टाइम चेक करा था तीसरा निकाल रहा है, सही वो दो दांत है, ये शायद तीसरा निकाल रहा है, नाफे में झालर में बहुत अच्छे। और इसका जो फेस है ना, फेस देखें माशाल्लाह, इसका फेस देखें भाई, ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, कलर वाइज बहुत बच्चा बहुत अच्छा है। और ये भी गोल मटोल गोलू बच्चा, बिचोलों में सारे, वो थोड़े ये हाइट में बड़ा है, वो थोड़े बड़े बच्चे हैं, लेकिन ये चारों बिचोलों में, ठीक है। तो भाई थोड़ा मस्ती वाला, अगर मैं खुलवाऊँ इसकी मस्तियाँ चेक करवाऊँ तो आप भाई काबू आने वाली चीज़ नहीं है, क्योंकि हमारे पास गाय भी खड़ी हुई हैं, घोड़े भी खड़े हुए हैं और बच्चे भी खड़े हुए हैं, तो इस तरीके से ना हम खोल नहीं सकते, क्योंकि लड़ते बहुत है भाई, अभी भी इनको खोल दो ये वहाँ चले जाएंगे, दरवाज़ों में टकरे मारने लग जाएंगे, तो उस तरीके से काबू करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और भाई ये अपना बबलू नाम है इसका, और ये भी खीरा रह चुका था, तो ये भी तकरीबन दो दांत हो चुका है, और ये भी सेल के लिए मौजूद है। भाई आप तो सोच रहे हो फहीम भाई ने तो सेल लगा दी, तो भाई ऐसा ही है, बड़े दिनों बाद हम आपको अपडेट दे रहे हैं, और ऐसा ही है भाई, और रिजनेबल प्राइस में, ये भी नहीं, आप जब रेट सुनेंगे तो बहुत रिजनेबल प्राइस में, ये है कि बस शौकीनों के लिए एक ऑफ़र है कि बस लो और बस कुर्बानी करो, तो इस तरीके से माशाल्लाह माशाल्लाह। साले एक मिनट रुकना, तो भाई ये भी बच्चा अवेलेबल फॉर सेल है, ठीक है, अगर भाई जो भी कॉन्टैक्ट करना चाहे कर सकता है। अच्छा भाई बच्चे ये भी दो दिखा देता हूँ। अच्छा वैसे ही ऐसे साले अपना भी अपना फेस दिखाएं ना लोगों को, भाई ये साले वो पहले वाला बंदा वसीम सा चला गया। भाई ये काला बच्चा आप देख लें, ये मैं थोड़ा यहाँ से दिखा देता हूँ, ये सेल हो चुका है, हमारे ही फार्मर्स हैं तो उन्होंने ये ख़रीद लिया है कुर्बानी के लिए। तो मैं एक तरीके से बच्चा दिखा रहा हूँ, भरमबाज बच्चा जो होता है ना, भरमबाज। और इसकी जो मुझे सलामी और झालर नाफा बिल्कुल ऐसा है कि मैं, नस्ली बच्चे होते हैं लेकिन रहेगा ये बिचोलों में, कलर वाइज और इसका रूपधार जो चेहरा है ना, हाय हाय हाय, ये इसकी अदाएं मार रही हैं। और जिसने भी इसके बच्चे की, लेकिन है छोटा, लेकिन इस बच्चे की बहुत डिमांड थी, बहुत डिमांड थी, वो भाई आए थे सिर्फ देखा, और पैसे मैंने इस तरह बताए नहीं कि बस उन्होंने रोका नहीं, हाथ के हाथ ट्रांसफ़र हुए भाई टोकन, तो इस तरीके से अभी वो भाई दुबई गए हुए,
तो उन्होंने ये कुर्बानी के लिए ख़रीद ली है, ठीक है। और ये बच्चा भी अवेलेबल है, लेकिन लेकिन ये अभी इसने दो दांत गिराई नहीं है। ये 2024 तक जा सकता है, लेकिन बच्चा नाफे झाल में बेहतरीन है और रुकने वाला बच्चा है। इसका एक और साल कह रहा है कि मैं रुकूं, लेकिन जगह बहुत है और बहुत अच्छा हाइटेड बच्चा निकलेगा ये भी। तो वो सेल हो गया। ये अगर कोई ख़रीदना चाहता है, अगर पालना चाहता है, वैसे मुश्किल लग रहा है क्योंकि अभी झिरी वगैरह भी नहीं आई है इस तरीके से। तो ये है बंद सावे कलर में, और माशाल्लाह पीछे से बैग देख लें, बहुत जगह है। अच्छा भाई, वो वाला अब्लग खोलता है तो मैं अपना लाली दिखा दूँ। लाली माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत अच्छा हो गया, बहुत अच्छा हो गया। बीच में आपको पता है कि इसका ये वीक हो गया था, बहुत बीमार हुआ है, साल में बहुत बीमार हुआ है, लेकिन अब इसका माशाल्लाह चेहरा देखे, ओए होए होए होए, माशाल्लाह माशाल्लाह चेहरा देखे इसका। ये भी भाई दांतों में है दो, और वाइट फेस है, पूरा लाल है, नीचे से स्पॉट है। ये भी अवेलेबल फॉर सेल है, तो ये देख लें भाई। ओए होए, क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, चेहरा देखें भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये माशाल्लाह बहुत वीक हो गया था, अभी भी माशाल्लाह तकरीबन एक डेढ़ दो महीना हुआ है ये चारे के ऊपर आया है, लेकिन मैं कहता हूँ इस बच्चा बहुत अच्छा हो गया था बीच में, बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया था। तो भाई ये है हमारा लाली, ठीक है, ये भी सेल के लिए मौजूद है। जो भाई अगर इसको पसंद करना चाहता है तो रिजनेबल प्राइस में ये भी हाजिर है, मंडी से बहुत कम रेट में आपका भाई देगा, मंडी से बहुत कम रेट में। तो ये बच्चा भी आपके लिए हाजिर है, ठीक है। और भी बच्चे थे जिस तरीके से, और भी वहाँ पे फार्म्स के बच्चे वगैरह आए हुए थे पलाई पर, तो वो कुछ चले भी गए, जैसे हमारे बराबर वाले और क्लाइंट्स वगैरह, आपको पता है एक सोसाइटी है, तो इस तरीके से यहाँ पर बच्चे आए हुए थे, तो कुछ बच्चे बिक भी गए, बाकी अपने घोड़े वगैरह वहाँ खड़े हुए। ये मेरे दोस्त की है नुकरी बच्चियाँ, गंदी बहुत हो रही है, जिसको इसको नहलाओ और अगले दिन ही ये लेट जाएगी ज़मीन पे, इस तरीके से बहुत गंदी हो रही है। तो ये भी मैं दिखाऊंगा, अभी मंडा खा रही है, ठीक है। और बच्चे भी माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत अच्छे हो गए, और बबली की बेटी रानी, रानी भी माशाल्लाह माशाल्लाह से वही खड़ी हुई, तो ये देख रहे होंगे, तो इसको भी दिखाएंगे, ठीक है। तो अभी एक बछड़ा रह गया, वो दिखाते हैं भाई। आपके सामने आ रहा है गब्बर, जो कि मैंने लास्ट वाली वीडियो में इसका नाम भी रखा था। गब्बर की बहुत लंबी कहानी है, क्योंकि गब्बर आते ही उतर के भाग गए थे, 6 घंटे में इन गब्बर को पकड़ा गया है। और ये देखें भाई गब्बर को, रोको ज़रा गब्बर को रोको, ये देखें भाई गब्बर को, माशाल्लाह माशाल्लाह, कलर वाइज बॉडी स्ट्रक्चर वाइज तो बहुत ही बेहतरीन। दांतों में ये है दो, और ये भी अवेलेबल फॉर सेल है भाई। जो भाई देखना चाहते हैं तो आके फार्म पर देख सकते हैं, नंबर मेरा स्क्रीन पे चल रहा होगा। बड़ा बच्चा है भाई, ठीक है, खूबसूरती आप देख लें, और नाफे झालर में, अपने वजूद में, टांगों में देख लें, हर चीज़ में बराबर है। एक मिनट एक मिनट, तो भाई ये बच्चा देखें, और थोड़ा एग्रेसिव है क्योंकि बंदों से डरता है, मारता नहीं है, सिर्फ हम लोगों से डरता है, इन लोगों से तो डरता नहीं है, इनकी आदत है भाई। मुझे 2 महीने हो गए हैं आते जब से मैं ये आया, ये हमें नहीं पहचान पाया। तो भाई माशाल्लाह माशाल्लाह ये बच्चा है, देख ले, चलो बांधो। भाई राशिद भाई बैठे हुए, राशिद भाई कैसे हैं आप, ठीक है, आपसे बात करते हैं, अभी ट्रेनिंग की वीडियो नहीं आई है, हाँ उस दिन तुम गायब हो गए, तुम्हारे भी मजे हो गए भाई। लास्ट वाली मैंने बोला था कि राशिद भाई पूरा बताएंगे घोड़े को किस तरह तैयार किए जा रहे हैं, तो इनकी भी वीडियोस वगैरह अलग आएंगी। उस दिन के बाद ये भी पंजाब चले गए, मेरा मोबाइल भी चोरी हो गया, तो बैड लक हो गया भाई, ठीक है। तो भाई माशाल्लाह माशाल्लाह ये देख ले भाई, थोड़ा डर रहा था तो मैंने सोचा ज़रा बंधेगा, तो फिर इसे दिखाएंगे, ठीक है। ये देखें, ओए होए होए होए, माशाल्लाह से कलर देखें, और रूपदार बच्चा है, ठीक है। तो मैंने अपने सारे जानवर दिखा दिए, ठीक है, जो कि फॉर सेल के लिए थे, और भी थे जानवर, कुछ चले भी गए फार्म से, जैसे आ जाएँ तो 2 दिन बाद चले गए। तो ये छोटी सी अपडेट थी, आई होप कि आज आपको पसंद आएगी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।